नमस्कार, ब्लेसिंग्स, खुश रहें, खुश रखें। नवरात्रि आज से प्रारंभ हुई है। जानेंगे हम इस ज्ञान संहिता के एपिसोड से कि नवरात्रि का हमारे जीवन से क्या संबंध है। उसके पहले माता जी के जयकारे, एक सुंदर रचना 8 लाइनों की हम माता जी के जयकारे के रूप में गाएंगे। हमारे बड़े ब्रदर चंद्रकांत मिश्रा जी ने इसको लिखी है, तो आइए साथ में मिलकर जयकारे लगाएं कि लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। आए नवरात्रे, देखो आए नवरात्रे। अरे धूम मची है शहरों में, गली गली चौपाल। धूम मची है शहरों में, गली गली चौपाल। अरे धूम मची है गर्भों की, गली गली चौपाल। अरे बीच में माता मूरत तेरी, नाचे तेरे लाल। देखो आए नवरात्रे। लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। के श्रद्धा भक्ति के दीप जले हैं, श्रद्धा भक्ति के दीप जले हैं। घर घर उगे गे ज्वारे, देखो आए नवरात्रे। लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। के मैया तेरी आरती गाए सुबह शाम, मैया तेरी आरती गाते सुबह शाम। अरे विघ्नहारिणी पाप तारिणी, कर सबका कल्याण, देखो आए नवरात्रे। लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। के पूजन अर्चन मैं ना जानू जानू तेरा ध्यान, पूजन अर्चन मैं ना जानू जानू तेरा ध्यान। अरे पूजन अर्चन मैं ना जानू जानू तेरा ध्यान। अरे विघ्नहारिणी पाप तारिणी, कर सबका कल्याण, देखो आए नवरात्रे। लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। अरे बलि बलि जाऊं मैं तो पे मोरी मैया, बलि बलि जाऊं मैं तो पे मोरी मैया। आएगी मेरे द्वारे, देखो आए नवरात्रे। लागे माँ के जय जयकारे, देखो आए नवरात्रे। जय माता दी। इस सुंदर जयकारे के साथ नवरात्रि की शुरुआत। अब जाने नवरात्रि और हमारा जीवन। देखिए, 9 माह के गर्भ, 9 माह माँ के गर्भ में एक बच्चे को पूरा होने में लगते हैं। जिस प्रकार एक एक माह एक एक हफ्ता बच्चे के अंगों का विकास होता है 9 माह तक, उसी प्रकार 9 दिन की यह नवरात्रि, शारदा नवरात्रि में अलग अलग रूपों में दुर्गा माँ पार्वती माँ की स्तुति अलग अलग रूप में आती है और हमें अलग अलग अंगों का शुद्धिकरण करती है। देखिए, नवरात्रि 4 होती है सामान्यतः। पहली नवरात्रि चैत्र माह से शुरू होती है, जिसे ब्रह्मांड की शुरुआत या प्रकृति की शुरुआत का दिन बोलते हैं, गुड़ी पड़वा, वो नवरात्रि। उसके बाद आषाढ़ तीसरी आती है अश्विन की, जो कि जिसमें 9 दुर्गा जो पार्वती के रूप, पार्वती जी के रूप है, 9 रूपों के शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। शक्तियों में विशेष मेरी महालक्ष्मी, महा सरस्वती और महा दुर्गा गौरी काली। अब तीनों माताओं का रूप, इसके अंदर महालक्ष्मी धन का, महा सरस्वती ज्ञान का और महा दुर्गा काली शक्ति का। तो हम 9 दिन अगर आराधना करें तो हमें लक्ष्मी की समृद्धि और सरस्वती का ज्ञान और काली माँ दुर्गा माँ की शक्ति जरूर मिलती है।
अब हम थोड़ा जाने कि हमें नौ दिन, चूंकि ये नवरात्रि 10 दिन की आ रही है, तो हम कैसे आराधना करें। इसमें गुरु जी की बड़ा अच्छा कहते रविशंकर जी कि इतना विद्या, दो विद्याएं होती है, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या में हम जप तप, जप और तप, व्रत यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो एक भोग लोग हो गए, और साथ में प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन चक्र मेडिटेशन से भी मां की आराधना होती है। तो अपने अपने समय के अनुसार हम मां की आराधना करेंगे। जिस प्रकार हम पहले बताए कि पहले तो 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, प्रथम दिन हमारी होती है, प्रथम जो रूप में आती है मां शैलपुत्री। शैलपुत्री जी का स्थान है हमारा रूट चक्र, टेल बोन। तो अगर आप पूजा पाठ अर्चन तो करते होंगे घर में, तो वो अपनी जगह, लेकिन अगर बाई चांस आपके पास समय नहीं है, आपाधापी में आप व्यस्त रहते हैं, सुबह टाइम भी नहीं निकल पाते ऑफिस जाने के लिए, तो कम से कम आप ऑफिस निकलते वक्त 2 मिनट अपने स्थान पर बैठे और आंखें बंद कर वह प्रथम दिन अगर आप तेल बोन पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है माँ शैलपुत्री आपके जीवन में एक उत्साह किरण जरूर लगाएंगे। उसी प्रकार द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचर्य का, इसे पहला प्रतिपदा जो आई है शैलपुत्री की, ये 2 दिन की है। इस बार कुछ पंचांग कहते हैं 2 दिन की प्रतिपदा है, कुछ कहते हैं 2 दिन की द्वितीय है, तो हम तो प्रतिपदा ही मान के चलते हैं। द्वितीय दिन आता है माँ ब्रह्मचर्य का। माँ ब्रह्मचर्य का स्थान है हमारी जेनिटल्स के पीछे का चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरे दिन आप अगर इस पर ध्यान लगाकर ऑफिस जाएंगे या अपना बिजनेस लाइफ में जाएंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है रचनात्मक क्रिएटिविटी आपके जीवन में जरूर बढ़ेगी। नंबर 3 चंद्र घंटा, तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का आता है, जिसका स्थान है आपकी नाभि चक्र। तो अगर हम तीसरे दिन जाते वक्त अपना ध्यान नाभि पर लगाएं, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के, जब भी फ्री हो, कहीं ऐसा लग रहा है हमें कि हम कंफर्टेबल है आंखें बंद करने हैं, आंखें बंद करके हम नाभि पर ध्यान ले जाएं, तो मेरा पूरा विश्वास है आपके जीवन में उदारता, ईर्ष्या की कमी अवश्य आएगी। चौथा, फोर्थ स्कंद माता। स्कंद माता कुष्मांडा का स्थान है हमारा हृदय। हृदय का स्थान आप माने, यहां पर अगर आप ध्यान लगा कर रखें कुष्मांडा का दिन, तो पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में आने वाला अज्ञात भय जो डर रहता है वो दूर होगा। सामान्यतः आप अगर डरते हैं तो आपका हाथ सर प्रथम कहां जाता है, यहां पर। अरे व्हेन यू फियर, पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन और भय से मुक्ति होगी। अब आते हम पांचवें चक्र, है ना। पांचवा दिन थोड़ा विशेष है, क्योंकि यहां पर जो हमारा